So good morning everyone, this is Amit Matripathi from Max, welcoming you to this channel, Let's Move with Max. सो व्हाट्सअप एवरी वन, गुड मॉर्निंग। बहुत से लोग अभी तक उठे नहीं होंगे, उनके लिए अभी से गुड मॉर्निंग, और जो लोग उठ चुके होंगे उनके लिए तो गुड मॉर्निंग ही गुड मॉर्निंग। इट्स क्वाइट कूल राइट नाउ एंड इट इज़ 5:30 इन द मॉर्निंग एंड इट इज़ 4th May 2021। आई एम लिविंग। ये कौन सा ऑफिस है, मतलब ऑफिस के अंदर मंदिर है पता नहीं, यहाँ पर लोग काम भी कर रहे हैं और इसको एंट्री देखो। खैर कोई नहीं, जो है सो है, एज यूजुअल माई डायलॉग। खैर अभी तो क्लाइमेट बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक मैं पहुँचूंगा आई थिंक पसीना पसीना हो चुका होगा एज यूजुअल। बट कोई भी जर्नी अगर आप शुरू करते हो माशाल्लाह सुबह ही करो, इतना अच्छा लगता है, मतलब क्या बोलूँ। सुबह का ये जो क्लाइमेट होता है इतना ज़्यादा कूल, सूरज देवता आगे हो या पीछे कहीं से तो उगना शुरू हो चुका होगा उनका, और उसके साथ आप बस चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन देखेगा आपको। मॉर्निंग में कहीं पर निकलोगे तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से, आई लाइक दैट। मतलब उसके बाद थोड़ा थोड़ा धूप वगैरह आता है, आएगा तो ऑब्वियसली, लेकिन शुरुआत अगर अच्छा हो तो जर्नी पूरा का पूरा अच्छा रहता है। वैसे भी देखो रोड्स कितना खाली रहता है, मतलब कोई भी एरिया जाओ सुबह निकलोगे ना मस्त लगेगा एकदम। और वैसे ये भी एक बात है, क्योंकि ज़्यादा मतलब अर्ली मॉर्निंग आप निकलोगे अच्छा तो लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ज़्यादा अर्ली अगर आप निकलोगे भूत प्रेत का मिलने का भी संभावना थोड़ा है, जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि पहाड़े वगैरह ये सब खाली खाली रोड, एक भी लाइट नहीं है यहाँ पे, देख सकते हो आप एक भी लाइट नहीं है, और क्या पता रात में कौन निकलता होगा यहाँ पे, चोर डाकू और उसके साथ साथ भूत प्रेत प्रेतात्मा और क्या क्या वो शैतान डट सब कुछ निकल सकते हैं और आपको अटैक भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, ये सिर्फ रात के लिए नहीं, दिन में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा रखना, गाड़ी का स्पीड मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि मुझे कोई अगर रास्ते में कोई स्ट्रेंजर मिल जाए और वो मुझे रोकने की कोशिश करे तो मैं रुकता नहीं। बहुत ज़्यादा स्पीड होता है तो बहुत बार हुआ है कि बहुत लोग मुझे रोकने की कोशिश किए लेकिन फिर उनका साहस नहीं हुआ, इसी वजह से, क्योंकि मेरा गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड होता है और उनको लगता है कि ऑब्वियसली किसी को अगर मतलब दिमाग में कुछ इधर उधर का घूम रहा होगा कि इसको अटैक करना है या कुछ, तो वो लोग ऑब्वियसली गाड़ी का स्पीड देख कर खुद ही साइड हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, और बस अकेले जा रहे हो तो ऐसे ऐसे रोड में, अभी तो दिन है फिर भी मेरा मतलब वाव, सॉरी टॉपिक से हट गया, मतलब वो वाला रॉक देख के वो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पे। एनीवे, तो ऐसे रोड पे अगर आप जा रहे होगे तो ऑब्वियसली टर्निंग आएगा तो आपको स्लो तो करना पड़ेगा, वो और कोई चारा नहीं है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। लेकिन जनरली अगर आप जा रहे होगे ऐसे कोई खाली वाली रोड होगा और ज़्यादातर जंगल का रोड होगा, वहाँ पे माओवादियों का वगैरह भी हो सकते हैं, नक्सलपंथी भी हो सकते हैं और चोर डाकू क्या क्या हो सकते हैं, और रात का टाइम हो गया तो ऑब्वियसली आपको भूत से थोड़ा बहुत चौंकना रहना है। और क्या बोल रहा हूँ, और अपना रात को भी अपना स्पीड थोड़ा बरकरार रखिए रोड पर, अच्छे अगर आप राइडर हो तो इतना अगर आपके अंदर हिम्मत है तभी जाके ऐसे रोड में रात में आना है, नहीं तो मत आइए। क्योंकि मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा रात के 10 बजे, मतलब 8 या 7 या 8 बजे के बाद भी ये वाले रोड में आना थोड़ा सा खतरनाक लगता है, और बाकी आपकी मर्ज़ी। और वैसे भी बरमपुर से परला कमेटी के लिए वो जो दूसरा रोड है, मतलब इंदिरा बॉर्डर क्रॉस करते हैं फिर उसके बाद उड़ीसा फिर उसके बाद पराला कमेटी आता है, वो वाला रोड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो मतलब हाईवे है, और ये जो है पहाड़ काट काट के बनाए गए हैं, अंदर अंदर हम घुसे जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा सेफ्टी का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप अच्छे राइडर हो, अच्छे आप हैंडल कर सकते हो तो सिचुएशन को, तो वेलकम। और ये रोड 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। और एक सजेशन और, अगर पुलिस भी आपको कहीं पे रोकने की कोशिश करे, अगर एक से ज़्यादा पुलिस हो, मतलब 2-4 हो और कुछ क्राउड हो तभी जाके रुकिए, वरना मत रुकिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बस पैसे के लिए आपको रोक लेंगे, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर बस पैसे के लिए रोक लेंगे और बिना वजह आपको बस परेशान करते रहेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, झंझट ये सब पालना नहीं है अपने को, आराम से जाना है। वैसे रिस्क तो हमेशा होता है, एडवेंचर्स आपको लेना पड़ेगा, एज देयर इज अ सेइंग, जॉब्स फिल योर पॉकेट्स एंड एडवेंचर्स फिल योर सोल, दैट्स व्हाई कभी कभी अपने आप को मतलब कंप्लीट करने के लिए, फिलअप करने के लिए अपने लाइफ को
अच्छी तरह से मूव करने के लिए आपको कभी ना कभी एडवेंचर्स करना पड़ेगा, उसी बीच में रिस्क उठाना पड़ेगा और अपने आप को खुश करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द लाइफ इज। सो एंड आई नीड यू गाइस टू अंडरस्टैंड वन थिंग एज वेल कि यू नो हसल इज कंप्लीटली ओवररेटेड नाउअडेज। यू नीड टू हसल, ऑब्वियसली यू नीड टू गो हार्ड फॉर योर गोल्स, बट यू नीड टू एंजॉय योर लाइफ एज वेल। नहीं तो क्या फायदा इस लाइफ का, बस काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, कभी ना बस हसल हसल हसल, क्या फायदा, कुछ करोगे नहीं, एंजॉय नहीं करोगे तो। सो जस्ट हसल एंड एंजॉय। सो आई हैव क्रॉस 120 किलोमीटर्स इन 1.5 आवर। सीधा जाएंगे तो तप्त पानी के लिए रोड है, और तप्त पानी से होके फिर हम दिगबंडी पे पहुँचेंगे, और वहाँ से थोड़ा सा हम कुछ खाना वाना खा लेंगे, फिर उसके बाद अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे, और खाने के साथ थोड़ा कोल्ड ड्रिंक भी। मम्मी को मत बताना। सो जिन लोगों को पता नहीं तप्त पानी क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ पे एक हॉट वाटर स्प्रिंग होता है, जैसे अट्री है वैसे ही यहाँ पे एक तप्त पानी है। चलो इसी बस को फॉलो करते हैं। ये पिंक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा क्यूट सा बस मेरे सामने जा रहा है, इसी को हम फॉलो करते करते फिर तप्त पानी पहुँचेंगे, फिर इसके बाद दिगबंडी के लिए अपना अलग सा रास्ता ढूंढ लेंगे क्या, मुझे पता है। और अभी थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा टर्निंग्स आने वाले हैं, लेफ्ट राइट होते होते, जैसे कि ये सब रोड पहाड़ के बीच में जाता है, मतलब पहाड़ को काट के बनाया गया है, इसी वजह से अभी एक्चुअली हम ऊपर हैं, अभी नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद तप्त पानी गए, फिर उससे और भी ज़्यादा नीचे जाएंगे, तब जाके दिगबंडी के लिए रोड है। तो यू कैन सी दैट, एंजॉय दिस, आपको शिमला वाला वाइब आ जाएगा बिना बर्फ के, और या फिर ऊटी, वो भी है, ऐसा ही है। शुरू हो गया, देख लीजिए, राइट, फिर अभी लेफ्ट। मैं बच्चों जैसा बिहेव कर रहा हूँ ना, क्या करूँ, इतना अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा मेरे सामने। ये बस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ, ये धूप की बात कर रहा हूँ, ये जंगल, ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ, एक्चुअली वादियाँ तो इतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, करजोई है, और ये ग्रीनरी, ये रोड। आई थिंक हम तप्त पानी पहुँच चुके हैं, यही राइट साइड, देख लीजिए यही राइट साइड में है तप्त पानी के लिए गेट। तो अभी बस यही एक दुविधा ये है कि मैं अभी क्या खाने वाला हूँ वो मैं सोचना पड़ेगा मुझे, क्योंकि गर्म चीज़ें अगर मिलता है तो उससे खाना अच्छा है, क्योंकि कोरोना का टाइम है, ये कोविड के बीच में कोई मतलब पहले से बनाया हुआ खाना यहाँ पे, जहाँ पे ऑब्वियसली क्राउड तो रहेंगे ही, लेकिन प्रिकॉशंस लेके हाथ को सैनिटाइज करके धो के अच्छे से साफ सुथरा बन के फिर हम खाना खाएंगे, लेकिन क्या खाएंगे अभी तक दिमाग में आ नहीं रहा, और गर्म चीज़ में अभी क्या मिलेगा वो भी मैं सोच रहा हूँ। एक्चुअली अभी सुबह लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था, मतलब 12 बजे हम खाए थे, उस वक्त भी कुछ मिल गया था, मतलब पूरी भाजी तरकारी कुछ, अभी देखते हैं क्या मिलता है। थोड़ी देर बाद दिगबंडी आएगा, जहाँ पे मैं लास्ट टाइम भी खाया था, अभी रिटर्न करते हुए भी वहीं पे ही खाना खाऊंगा, फिर उसके बाद नॉनस्टॉप कहीं पे रुकना नहीं है, डायरेक्ट भुवनेश्वर के लिए निकलेंगे, एक्चुअली पहले ब्रह्मपुर उसके बाद भुवनेश्वर के लिए रोड आ जाएगा। तो खैर, आई होप ये वाला नज़ारा आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि यहाँ पे एक भी मैं फ़ोटो नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अकेला जा रहा हूँ और सेल्फी लेने का भी कोई शौक नहीं है। सो अभी ब्रह्मपुर पहुंच चुके हैं, यहाँ से थोड़ा मतलब रास्ता थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसी वजह से मैंने एक आदमी को पूछा कि भैया यहाँ से हाईवे के लिए रोड किधर है। एकदम सीधा, नक को सीधा सीधा बोले, लेफ्ट गोले फिर सीधा, क्या सीधा या लेफ्ट कहाँ जाऊँ, एकदम सीधा नक को सीधा। दो ही वॉज राइट, बट लेफ्ट और सीधे में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन आ गया था, लेकिन फाइनली अभी मैं सीधे रास्ते में जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है। ये जो छोटा सा लेफ्ट टर्न हुआ है ना, यही बोल रहा था वो, एकदम सीधो नक को सीधो फिर लेफ्ट, यही बोल रहा था वो।
सो फिर से गंजाम का बॉर्डर क्रॉस करके अभी खुर्दा के अंदर एंट्री कर रहे हैं, और ये वही वाला रोड है जिसके बारे में जिसका जिक्र मैं लास्ट वीडियो में आपसे किया था, जहाँ पे मैं फोटोशूट वगैरह करने के लिए कोशिश किया था, कुछ वगैरह वगैरह जो हुआ आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो। सो ये वही रोड है, उस तरफ से आ रहा था तो जो दिख रहा होगा आप लोग देख चुके होंगे। अभी इस तरफ से जा रहा हूँ तो थोड़ा सा व्यू देख लीजिए जो है सो है। और 2016 में जब मैं आ रहा था इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था ये रोड, लेकिन अभी एकदम प्लेन हो चुका है तो अभी आराम से जाना आना हो सकता है। एंड व्हाई दिस रोड इज़ सो ब्यूटीफुल टू मी आप लोग अभी थोड़ी देर में देख लेंगे, क्योंकि इसके राइट साइड में चिल्का यहाँ से दिखता है। तो जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, अभी रुक के आपको इसका व्यू तो कम्प्लीटली नहीं दिखा सकता, लेकिन राइट साइड में देखिए थोड़ा बहुत दिख रहा होगा यहाँ से, वो चिल्का लेक है। और इसी लेक के सामने अगर आप जाओगे, मतलब इसी लेक के अंदर आप जाओगे तो कालीजाई, उसके बाद वहाँ पे सातपुड़ा पूरी की तरफ जो होता है सातपुड़ा वही सब आता है, और उसके बाद आपको पता है ये जाकर डायरेक्ट बे बंगाल में मिला हुआ है। यहाँ से जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए। अरे कैसन हो बिटुआ, मिस किया क्या नहीं हमका। सो फाइनली रिस्ट होम, अभी जाके नहा धोके थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, और कुछ करने के लिए मूड नहीं है। Today is 5th May 2021 and it is the marriage anniversary of my parents and I am too happy obviously because yahan se to meri journey shuru hui so indirectly